हे हाय हेलो, दिस इज़ अपना बुक। आज हम एक सिंपल सी रेसिपी ट्राई करेंगे जो कि है गोभी, और आप बोल सकते हो फ्लावर की, जिसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा गोभी, उसके बाद दो टमाटर, थोड़ी सी कोथिंबीर या कोरिएंडर, उसके बाद हमको जो नॉर्मल मसाले लगते हैं उसमें आएगा हल्दी, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मूँगफली या आप बोल सकते हो शेंगदाने का पाउडर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको कढ़ाई रखनी है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, उसके बाद उसमें जीरा डालना है और जीरा तड़कने के बाद उसमें डालेंगे हम वॉश किए वाली गोभी। गोभी को स्टार्टिंग में पहले से अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। इसके बाद हम ऑयल में उसको अच्छे से स्टीर करेंगे। ये ऑयल में जो हम फ्राई कर रहे हैं उसकी वजह से एक अलग ही स्वाद आता है गोभी का। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मसाले डालना, जिसमें है हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और ये सब मसाले डालने के बाद हम अच्छे से उसको स्टीर करेंगे। ये सब्जी जब भी आपको ज़्यादा मसालेदार कुछ खाना नहीं होगा और कुछ स्वाद चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आप ये सब्जी बना सकते हो। कम इंग्रेडिएंट्स में एक बढ़िया सब्जी बनके रेडी हो जाएगी आपकी और टेस्टी भी हो जाएगी। तो चलो इसको थोड़ा स्टीर कर लेते हैं। इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए स्टीर करना है। 1 मिनट भी करोगे तो चलेगा। उसके बाद थोड़ा सा जो हमने टोमेटो चॉप किया था वो इसमें डालना है। ज़्यादा फाइनली चॉप टोमेटो नहीं चाहिए, थोड़ा सा मोटा मोटा ही चलेगा। उसके बाद उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, स्टीर करना है। उसके बाद जाएगा शेंगदाना पाउडर या फिर मूंगफली पाउडर। अच्छे से हिला लेना है। उसके बाद इसके लिए स्टीम देने के लिए एक ढक्कन रख दीजिए। दो मिनट होने के बाद हमारी गोभी ऐसी रेडी है, पर पूरी तरह से बनी नहीं है। जब भी ये थोड़ी सी बाकी रहे बनने में, तो तभी आपको धनिया पाउडर डालना है और फिर से थोड़ा सा ढक देना है। चलो तो 2 मिनट बाद हमारी गोभी रेडी है, एक स्वादिष्ट व्यंजन।